हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम श्लोक स्कंद एक अध्याय छ श्लोक संख्या चार। प्रकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा नहि एष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः प्रकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा नहि एष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम नाहयोष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम नहि एष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। अनुवाद। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था तब यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पदकमल श्रीगुरो वैष्णवा श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथांबितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगणा ललिता श्री विशाखावितं स नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामने नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे नमः। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्णे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांतन राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामामि।
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो हमने अभी पांचवा अध्याय भागवतम के पहले स्कंद का पांचवा अध्याय देखा। उसमें हम देखे जब कुछ भक्त नए जुड़े हैं तो ये ना सोचे कि पांच अध्याय होगा हो गया तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं। भागवतम कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पांचवें अध्याय में हमने देखा कि नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव को बताते हैं कि कैसे आप भागवतम की रचना कीजिए, क्योंकि जब तक जीव भक्ति नहीं करेगा कृष्ण की तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा और इस संसार में घुटता पिसता रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वायरस आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। हर साल का हो गया, छुट्टियां मनाने 3-4 महीने के लिए आ ही जाता है वायरस, उसके 3-4 महीने की छुट्टी में 6 महीना हमारा बंद हो जाता है सब कुछ, क्या कर सकते हैं, यही संसार है। यहां से निकलना है तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो वो बताने के बाद नारद मुनि बताते भी हैं भक्ति का मतलब है जप करना, ग्रंथ पढ़ना, भगवान का सेवा करना, वैष्णवों का सेवा करना। वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो जल्दी, कल हमने चर्चा किया था, वैष्णव को साधुओं को प्रसन्न करेंगे जो प्रामाणिक है तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर व्यासदेव पूछते हैं कि कुछ उदाहरण दीजिए, तो नारद मुनि अपने बारे में ही बताते हैं। व्यासदेव पूछते हैं आप कैसे बने, मैंने सुना है कि आप दासी पुत्र थे, तो फिर वो बताते हैं अपने बारे में। ये पूरा अध्याय जो है छठा अध्याय है, ये उसी में होगा कि नारद मुनि पिछले कल्प के बारे में बताएं। अब यहां पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं व्यासदेव जी, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो काल है, भगवान गीता में कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं और मैं सब कुछ नष्ट करता हूं। भौतिक संसार मतलब नष्ट हो, नष्ट होना फिर बनना, फिर नष्ट होना फिर बनना, ये बार 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 चलते रहता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये कभी स्थिर नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा अनंत काल तक। अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। तो वही व्यासदेव पूछ रहे हैं कि जो काल में कालांतर में आपका शरीर तो बदल गया, कालांतर में आपका शरीर बदल गया, तो फिर ये कैसे याद रहेगा आपको जो पिछले कल्प में हुआ था, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए,
कैसे आपको याद है? तो ब्रह्मा जी का एक दिन निकल गया, आपको याद है। यहाँ पे चार दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी वो हमें याद नहीं रहता है, याद रहता है? नहीं याद रहता। अभी देखिए, हमने श्लोक उच्चारण किया, दो बार मैंने किया, दो बार आप लोगों ने भी किया पीछे पीछे, फिर दो बार दो भक्तों ने किया, छह बार श्लोक आपने सुना, याद हो गया? 10 मिनट भी नहीं हुआ है। तो ये तो कलयुग की हमारी बुद्धि तो, और नारद मुनि तो खैर पहले किए थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, फिर भी इतना लंबे समय तक कैसे चला, इतने शरीर बदल जाते। तो यहां पे उसको एक्सप्लेन किया गया। तो हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है भगवद गीता के ये तीसरे अध्याय में, जहां भगवान बताते हैं कि शरीर है, शरीर के ऊपर जो इंद्रियों से बना हुआ है, इसके ऊपर मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, और उसके ऊपर। तो ये एक्सप्लेन किया है यहाँ कैसे आपको याद रहा। अभी तो नारद मुनि हम कल से देखेंगे, नारद मुनि बोलना चालू करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे। कैसे ये क्यों बताते हैं आचार्य कि देखिए कैसे एक साधारण बच्चा नारद वो नारद मुनि बन गए। तो हम भी भक्त बन सकते हैं, ये आशा है, ये आशा हमें दी जाती है, और कोई गलत नहीं, हम भक्त बन सकते हैं, सिर्फ हमें वही करना पड़ेगा जो नारद मुनि ने किया। तो हम उनके पथ पर, उन्होंने रास्ता बनाया, हमको सिर्फ फॉलो करते। अगर आपको बोला जाए कि आप मान लीजिए हम बॉम्बे में हैं, कोई हमको बोले बॉम्बे से आप चेन्नई निकल जाइए, कैसे निकले बताइए, क्या रास्ता है, कैसे पता पड़ेगा? फ्लाइट से जाएंगे तो किसी ने बनाया है, या ट्रेन से जाएंगे, मान लीजिए पैदल जाएंगे, ठीक है, एक महीना लगेगा, एक दो महीना जितना भी लगा, पहले तो सब लोग पैदल चलते, लेकिन कौन से दिशा में जाएंगे पता ही नहीं, हम तो पहुंच पाएंगे पता नहीं। वास्को डिगामा वो तो कहीं और जाना चाहता था, कहीं और पहुंच गया, वो अमेरिका जाना चाहता था, इंडिया पहुंच गया, तो या इंडिया जाना चाहता था, वो कोई दूसरा, वो उधर पहुंच गया। तो दिशाएं समझ में नहीं आती, इसीलिए पहले जो कल्चर था वो सूर्य को देख के या ध्रुव तारा को देख के सब चलते, फिर कंपास आया, और अब तो GPS और ये सब हो गया, इजी हो गया। अभी तो आपको बॉम्बे से चेन्नई जाना है, ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, बस पकड़ो और निकल जाओ। तो वैसे ही हमको भक्त बनना है, हमको कृष्ण आनंद प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। आप देख रहे हैं कैसे कृष्ण के साथ ये जो तोता है, ये भी आनंद में है, कहते कृष्ण को टुकुर टुकुर देख रहा है, क्योंकि वो आनंद ले रहा है, आंखों से वो उस आनंद का रसपान कर रहा है। और कृष्ण सबको आनंद देते हैं, बैठे हुए हैं दुकान खोल के नित्यानंद प्रभु कि आओ और ले जाओ। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, आदि गुरु हैं, वो ले जाओ कृष्ण प्रेम, आओ फ्री में ले जाओ। एक ही मूल्य है, क्या मूल्य है? श्रद्धा। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, नाम जप करते हुए श्रद्धा होनी चाहिए कि नाम जप से मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा, कृष्ण को प्राप्त करूंगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए कि गीता भागवत पढ़ रहा हूं, उसका श्रवण करने इस मात्र से हमें समझ जाएंगे हमें किधर जाना है। श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि नाम जप कर रहे हैं, ठीक है अभी चलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी फायदा है। आप किसी को भागवतम बताया गया 11 स्कंद में, हंसी मजाक में कोई बोलते हैं, जैसे आप जाएंगे ना कहीं जगह पे,
तो लोग मजाक करते हैं हरे कृष्णा वालों का, इंडिया में तो उतना नहीं, बाहर देश देश विदेश में जाएंगे, बाहर के देश में मजाक उड़ाते हो, तब से चला आ रहा है महाप्रभु के समय से। महाप्रभु को भी कहते थे ना क्या भावुक की तरह हरे कृष्ण करते रहते, तो निंदा कर रहा है, लेकिन क्योंकि हरे कृष्ण बोला तो उसका भी लाभ हो जाता, उसका भी लाभ हो जाता। तो लाभ तो हर परिस्थिति में है, लेकिन आपको जल्दी से लाभ लेना है तो श्रद्धा होनी चाहिए, नाम जप करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर ये नाम जप करते हैं तो रास्ता बनाया ना किसी ने, तभी तो आप चेन्नई पहुंच पा रहे। और आजकल वो जीपीएस के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कौन सा रास्ता अच्छा है, कहाँ पे टोल है, कहाँ पे नहीं है, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ रोड बंद है, सब पता पड़ जाता है। तो अगर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है जो कि हमारा असली घर है, वहां पर आपकी प्रॉपर्टी बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता इंडिया अमेरिका ये नहीं है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, आपकी असली प्रॉपर्टी वहां पे रखी हुई है, आप जाइए और लीजिए, आपका नेम प्लेट लिखा हुआ है वहां पे, कोई नहीं ले रहा आपकी प्रॉपर्टी, ऐसे पड़ी है, तो जाके लीजिए। कृष्ण उसको मेंटेन कर रहे हैं, कृष्ण चाहते हैं आप वापस आ जाए। तो कैसे जाएंगे, उसके लिए हमारे आचार्य जो होते हैं वे अपने उदाहरण से सिखाते हैं, वे अपने उदाहरण से उनको सिखाते हैं। तो नारद मुनि यहां अपने उदाहरण से हमें इस चीज को सिखा रहे हैं। अब भगवद गीता की हम बात कर रहे थे कि शरीर मन बुद्धि आत्मा, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए शरीर जो है वो बदलता है, दिन प्रतिदिन वो बदल ही रहा है, आपको देखना है बड़ा सरल है। जैसे आप ये नाखून है, इस पे वो क्या लगाते हैं, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश लगा दो, या बाल पे आप मेहंदी लगाता होगा, कोई डाई लगाता होगा, तो फिर देखेंगे धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, नाखून नीचे से सफेद हो रहा है। बचपन में हमको लगता था नेल पॉलिश इधर से ही क्यों निकलती है और कहीं से नहीं निकलती, फिर पता पड़ा कि नेल पॉलिश नहीं निकल रही है, वो नया नाखून आ रहा है। वैसे ही आप बाल में कलर करते हैं तो नीचे के बाल धीरे धीरे फिर सफेद होना चालू होते हैं, क्योंकि ऊपर के बाल का कलर परमानेंट है लेकिन नए बाल आ रहे हैं। तो शरीर परिवर्तनशील है, शरीर का साइज ऊपर नीचे होता है, शरीर के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होते रहता है। कभी कभी सब्जी काटते वक्त थोड़ा सा उंगली कट जाता है, या खेलते वक्त कुछ लग जाता है, कैसे भी करके कुछ लग गया आपको, खरोच आ गई, कुछ हो गया, तो कैसे वो चमड़ी जो है वो अपने आप काम कर देती है और वो भर जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, फिर वो काला काला पपड़ी जैसा जम जाता है, फिर वो निकल जाता है और नया आपका स्किन आ जाता है। तो शरीर परिवर्तनशील है, तो शरीर जल्दी जल्दी चेंज होता है, लेकिन मन और बुद्धि इतना जल्दी चेंज नहीं होते, होते ही नहीं, वो जिस दिन होंगे उस दिन आप भौतिक संसार छोड़ चुके हैं। जब जीव आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में प्रवेश करता है तो उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, मन बुद्धि अहंकार, स्थूल शरीर तो चेंज होते रहता है, आज हम मनुष्य हैं
पता नहीं पिछले जन्म में गधा घोड़ा क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे पता। चलो भक्ति कर रहे हैं तो मनुष्य बनेंगे, लेकिन कहाँ जन्म लेंगे और किस परिस्थिति में जन्म लेंगे, शरीर पूरा काम करेगा कि अपंग होंगे, या फिर गरीब होगा कि अमीर होगा कि मिडिल क्लास होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, भारत में पैदा होगा कि भारत के बाहर पैदा होगा, किसी को नहीं पता। तो नया नया हमको शरीर दिया रहता है हमारे कर्मों के साथ, लेकिन जो इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, वह शरीर चेंज नहीं होता। वो आपको तब मिला था जब आपने एंट्री लिया था, जब एग्जिट करोगे ये छोड़ के एग्जिट करना है। हम इसको छोड़ते नहीं है, इसीलिए एग्जिट नहीं हो पा रहा हमारा, फंस गए। तो मन पे क्या होता है, मन का फंक्शन क्या है, बुद्धि का फंक्शन क्या, अहंकार क्या है, इसको समझते हैं आज थोड़ा सा। मन इच्छा करता है, कुछ भी देख लेगा। मन के 10 नौकर हैं, ये हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान मुंह त्वचा हाथ पैर मुंह जीवा, ये सब मन के नौकर हैं। ये सब क्या करते हैं, मन को इनपुट लाके देते हैं और मन इनके द्वारा काम करता है। खुद तो जाएगा नहीं ना, मन काम करता तो इनके द्वारा काम करता है। तो आपके आंखों ने कुछ देख लिया, तुरंत वो क्या करते हैं, अपने मालिक को जाके बता देते हैं, सर मैंने ये देखा। अच्छा, तो मन फिर देखता है, अच्छा क्वालिटी है, मन ने देख लिया। देखिए मन कैसे काम करता। एक पति पत्नी रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग करने गए, गाड़ी पार्क किया, पैदल चल रहे। पति कुछ और देखता है, पति का मन कुछ और देखता है, पत्नी का मन कुछ और देखता है, क्योंकि पुरुष का मन और स्त्री का मन अलग अलग काम करता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि पुरुष गहनों की दुकान को देख के, वाह कितना अच्छा हीरो का हार है, इतना अच्छा सोने का हार है, इसको ले लेते हैं। ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर, अगर हुआ भी। लेकिन माताएं जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उनका मन उधर खींचता है, और उसका मन किधर खींचता है, वो बड़ी कार देख लेगा, क्योंकि उसके काम की वो चीज है। और स्त्री क्या देखेगा, स्त्री क्या देखेगी, वो गहना देखेगी, वो उसका कपड़ा देखेगी, मेकअप का सामान देखेगी, घर का सामान देखेगी, बच्चों का भी देखेगी। स्त्री का जिम्मेदारी बड़ा है, अपना भी संभालो, पति का भी संभालो, बच्चों का भी संभालो, घर का भी संभालो, घर में नौकर है उसका भी संभालो, ससुराल का भी संभालो, मायके का भी संभालो। अब पति पति को कुछ अपना कपड़ा पहनने भी करना था ऑफिस, स्त्री का जिम्मेदारी बड़ा है। तो दोनों अलग अलग चीज देखते हैं, दोनों की आंखें से हैं, दोनों हर चीज देख रहे हैं, लेकिन मन क्या बोलता है? पुरुष का मन कभी नहीं बोलेगा, अरे वो देखो साड़ी, क्या तो पता है खर्चा हो जाएगा, वो देखेगा नहीं, तो उसका मन अलग तरीके से काम करता है। आप देखे होंगे घर पे बच्चा है 1.5-2 साल का, तो उसके साथ माँ का व्यवहार कैसा होता है, माँ कैसे डील करती है बच्चे को, और पिता कैसे डील करते हैं, तो अलग अलग तरीके से, स्त्री पुरुष दोनों अलग मन काम करता है। तो मन को ये इनपुट देते हैं इंद्रियां, और मन क्या करता है, इच्छा करता है, हाँ ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा नहीं है। संकल्प और विकल्प, संकल्प मतलब ये चाहिए, विकल्प मतलब ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो संकल्प विकल्प मन का फंक्शन है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट
प्रेजेंट। और ये ऐसा घुमाएगा हमको कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन को कभी कुछ चीज अच्छी लगती है, थोड़ी देर बाद उसी चीज को रिजेक्ट कर देता है। बच्चे होते हैं वो पूरा मन से ही चलते हैं, उनको कोई खिलौना दे दो वो अच्छा लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी खिलौने को तोड़ देंगे, तो तुमको अच्छा लगा तुम तोड़ कर दो। ऐसे ही बड़े बच्चे होते हैं, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, फिर कुछ समय बाद उसके साथ विवाह हो जाता है लेकिन अब पसंद नहीं है, एकदम मन का है। इसीलिए मन से जो चलता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता जीवन, और इसीलिए मन को दमन करने की बात की गई, मन को नियंत्रण में लाने की बात की गई शास्त्रों में, कंट्रोल में करने की बात की गई। कैसे होगा वो बताएंगे। तो अभी मन का फंक्शन समझ के थोड़ा बहुत इच्छाएं करता है और संकल्प विकल्प, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। आपने इतना अच्छे से नया रेसिपी बनाया, करेले का रेसिपी बनाया, करेले को लंबा लंबा टुकड़ा काटिए, बीच से 6-7 टुकड़ा कर दीजिए, फिर इतना इतना टुकड़ा कर दीजिए, बढ़िया पका लिया, थोड़ा सा गोल डालिए, तो ये नया रेसिपी आपको पता पड़ेगी। आपने ट्राई किया, बनाया, बहुत अच्छा लग गया, भगवान को भोग लगाया, फिर खुद टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके घर में अगर कोई जवान बच्चा है, टीनेजर्स, 14-15-16 साल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अरे क्या बना दिया, एक करेला, करेला कोई खाने का चीज, कोई करेला खाता है, तो देखिए उसका मन कैसे काम कर रहा है, रिजेक्ट। तो मन क्या करता है, वो सोचता समझता नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि नहीं, वो मन है, वो या तो ले लेगा या तो छोड़ देगा, और भुगतना किसको पड़ता है, आत्मा और ये शरीर को। मन तो अपना निर्णय लेके निकल जाए। आपने देखा नहीं कि वो सब्जी कैसी बनी है, हो सकता है बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपका इम्प्रेशन करेले का कड़वा है, हो सकता है ये कुछ डिफरेंट हो, टेस्टी हो, ट्राई तो करके देखते नहीं। तो अंधविश्वास, मन मतलब अंधविश्वास। तो इसीलिए शास्त्रों में बार बार बोला है, बार बार बोला, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। तो इसीलिए मन को दमन करना, कैसे दमन करेंगे मन को, बुद्धि से, मन के ऊपर बुद्धि रहती। लेकिन क्योंकि अभी भौतिक संसार में संपर्क में हजारों करोड़ों जन्मों से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कमजोर हो गई, इसीलिए बुद्धि जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसे हमने उदाहरण दिया, एक पति पत्नी जाते हैं मार्केट, तो पति देखता है बड़ा गाड़ी, BMW, ऑडी, 40-50 लाख की गाड़ियां देखता है, लेकिन उसका सैलरी 25,000 महीने का है। तो मन तो है गाड़ी खरीदने का, घूमने का उसमें, लेकिन बुद्धि बोलती है पैसा कितना, पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास, 25,000 की सैलरी में EMI भरते भरते तुम्हारी 2-3 पुस्तें तो सिर्फ EMI भरे, छोड़ दो, अच्छा ऑप्शन कुछ अपने बजट में देखो। हम बाजार में जाते हैं, बजट बजट दिखाई, हमारे बजट में दिखाई, हमारी रेंज में दिखाई। अब ऐसे ही अगर उसकी पत्नी होगी, 25,000 पति का मारा, पत्नी हीरो का बड़ा हार देख के इच्छा तो होगी, लेकिन फिर छोड़ जाएगी। तो ये बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि बोलता है क्यों नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा बुद्धि का फंक्शन होना चाहिए। तो बुद्धि अभी कमजोर हो गई, भौतिक में तो थोड़ा बहुत चला रही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बुद्धि पूरा खत्म हो गया। तो इसीलिए बुद्धि को पहले ट्रेन करना पड़ेगा, कैसे, आध्यात्मिक ग्रंथ से, गीता भागवत के माध्यम से बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा शास्त्र चक्षु से, शास्त्रों की आंखों से कि क्या सही है
क्या नहीं सही है, और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो कष्ट हो रहा है वो चीज करने में लेकिन फिर भी करना है, कष्ट सहते हुए भी धर्म का पालन करना है, ये बुद्धि का काम है। कष्ट सहते हुए भी धर्म का पालन करना है, क्यों अभी हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे और हमारी बुद्धि शास्त्रों के बल पे सोचेगी, शास्त्रों के हिसाब से सोचेगी, तो फिर बुद्धि बोलेगी कि भले ही अभी कष्ट हो रहा है, कष्ट सहते हुए भी धर्म का पालन करो, क्योंकि अगर अभी आनंद सुख के लिए अधर्म का पालन करोगे तो बाद में कष्ट मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अभी स्वेच्छा से कष्ट ले लो, जिसको बोलते हैं तपस्या, लेकिन धर्म का पालन करो क्योंकि बाद में आनंद मिलेगा। तो ये बुद्धि का काम है, बुद्धि जो कमजोर हो गई नहीं कर सकती। इसीलिए हमें बार बार बोला जाता है कि भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, सुनिए, इससे आपको पता पड़ेगा धर्म क्या है अधर्म क्या है। वो तो धीरे धीरे पता पड़ जाता है, लेकिन फिर धर्म का पालन करने में कष्ट होता है, अधर्म का पालन करने में सुख मिलता है शुरू में। फिर भी हम अधर्म का पालन न करके धर्म का पालन करें, भले कष्ट हो तो भी, क्योंकि आगे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो ये बुद्धि का काम है, ये असली काम है बुद्धि का। तो अभी बुद्धि कमजोर होने से मन अपने ही डिसीजन लेके आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं अपनी मनमर्जी लोग कर रहे हैं, बोलते हैं ना अपनी मनमर्जी से चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपका नहीं मेरा नहीं अभी तो सारे संसार। सारे संसार का नुकसान, ये हिरण्यकश्यपु, ये रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब अपने मन से चलने वाले लोग थे। क्या हुआ, खत्म, नष्ट हो, विनाश हो गया। तो ये बुद्धि और अहंकार, तीसरा चीज अहंकार। अहंकार क्या करता है, अहंकार का काम है ये देखना कि मैं ही सृष्टि का मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, ये अहंकार का काम है। तो अहंकार क्या करता है, मन से दोस्ती कर लेता है, बुद्धि को दबा देता है, और मन को बोलता है वही वही करो जो तुमको अच्छा लगे, क्योंकि मैं स्वामी हूं, तुम टेंशन मत लो, तो मन भी फंस जाता है। तो ये बुद्धि को दबा देते हैं, तो बुद्धि जब आएगा तो मन को भी दबाएगा, अहंकार को भी दबाएगा, शुद्ध करेगा। इसके ऊपर कौन है, आत्मा है। तो मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है। आपको क्यों मन में, आपके पूरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब मन में आपके, क्यों आपको इच्छा अलग होती है, आपके भाई को इच्छा अलग होती है, दो प्राणियों को अलग अलग इच्छा क्यों हो रही है, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म है। ये तो भगवान याद नहीं करने देते हमको पूर्व जन्मों का, उसके पीछे कारण है कि हम तकलीफ में आएंगे, नहीं तो हमारी सारे पूर्व जन्म की इच्छाएं सब मन में भरी पड़ी। ये भौतिक, ये कब मिटेगा, जब हम पूरी तरह भक्ति में लग जाएंगे तो मन बुद्धि ये दोनों क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरह से। और फिर जब व्यक्ति भगवद्धाम को जाता है तो मन बुद्धि अहंकार सब यही छोड़ देता है और आत्मा निकल जाती है, शरीर तो पहले खत्म हो जाता है, फिर आत्मा सिर्फ जो है शुद्ध आत्मा वो निकल जाती है। तो शरीर से शरीर जल्दी जल्दी खत्म होता है, इसीलिए शरीर की चीजें जल्दी जल्दी बदलाव आती हैं, मन जो है उसको बहुत समय लगता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा के द्वारा किया कार्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर से किया कार्य कुछ समय में नष्ट हो जाएगा, नहीं तो जीवन के अंत में मृत्यु में नष्ट हो जाएगा, मन से किया हुआ कार्य लंबा चलेगा जब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। मोक्ष का, मुक्ति का मतलब क्या, मुक्ति मतलब मुक्त हो जाना, किससे मुक्त हो जाना,
ये जब आत्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बने हुए शरीर से मुक्त हो जाती है और निकल जाती है, इसी को मोक्ष कहते हैं। मृत्यु को मोक्ष नहीं कहते क्योंकि मृत्यु हो गई। जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है और किसी ने एक बाल्टी एक ड्रम ठंडा पानी डाल दिया मेरे ऊपर, तो ठंडी लगेगा, क्लास देने लेकिन ठंडी लगी रहा, पानी तो बह गया लेकिन कपड़ा गीला हो गया तो ठंड लग रही। तो किसी ने कहा प्रभु जी कुर्ता उतार दीजिए, ठीक है कुर्ता उतारा, दूसरा कुर्ता पहना, अभी भी ठंड लग रहा है। क्यों? तो कुर्ते के अंदर भी है ना कपड़ा, वो गीला है इसलिए वो ठंडा कर रहा है। तो सिर्फ शरीर बदलने से आप मुक्त नहीं होते, आप मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार है अभी भी, वो अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर से तकलीफ दे रहा है। जब वो भी हट जाएगा पूरा तब क्या होगा? तब आत्मा मुक्त हो जाएगी और निकल लेगी भगवान के पास। आत्मा अमर है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए आत्मा के द्वारा की हुई क्रियाएं कभी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। और आत्मा की क्रियाएं वही भक्ति कहते, और कोई क्रिया आत्मा करती नहीं, आत्मा भक्ति ही करती। तो इसीलिए नारद मुनि आगे बताएंगे कि मैंने भक्ति किया है वो आत्मा से संबंधित है, भले मैं कहीं पे भी था, पूरा प्रलय आ गया, ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आ गया, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो आत्मा नष्ट नहीं होती और आत्मा का जो क्रिया होता है या आत्मा द्वारा जो हिसाब किताब होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो अगर आज आप भक्ति करते हैं 10% इस जन्म, उसके बाद 1000 जन्मों तक कुछ भी नहीं करते तो भी आपका 10% है, उसको कोई नहीं छुएगा, कोई छू नहीं सकता उसको, कोई नहीं करेगा, भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली 1000 जन्म नहीं लगेगा, अगर इस जन्म में आपने चालू कर दिया तो अब 2-4 जन्म में फटाफट 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 इस जन्म में जितना करोगे अगले जन्म करके निकल जाओगे। एक बार बस भक्ति के संपर्क में आना है, फिर तो कृष्ण रास्ता बना के निकाल देंगे जल्दी आपको। तो आप सब सोच लीजिए, अच्छा हो रहा है, लेकिन जितना सिंसियरली करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, उतना जल्दी हमें संसार के जंजाल से दूर रहेंगे और संसार में रहते हुए भी आनंद में रहेंगे, संसार हमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नारद मुनि आगे बताएंगे, पूछ रहे ना कि कैसे याद रहा, इसीलिए याद रहा क्योंकि भक्ति आत्मा का फंक्शन। तो ये कल से हम देखेंगे नारद मुनि के बताना चालू करेंगे अपने जीवन के बारे में। वो साधु संत जो 4 भक्ति वेदांत आए थे जिन्होंने नारद मुनि को कृपा दिया, तो उनके जाने के बाद क्या किया, ये प्रश्न व्यासदेव जी पूछ रहे हैं। तो कल से हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे नारद मुनि अपने बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न ले लेंगे। आत्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या फर्क है, ये प्रश्न आया। तो सूक्ष्म शरीर बताए ना, मन बुद्धि अहंकार है, वो भौतिक है, और आत्मा जो आध्यात्मिक, आत्मा और भी ज्यादा सूक्ष्म है, आत्मा आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वह जो है वह भौतिक है। हरे कृष्ण, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने इस भौतिक जगत की क्रिएशन क्यों की है? भगवान ने भौतिक जगत की क्रिएशन क्यों? ये खिलौना बनाने वाली कंपनी खिलौने क्यों बनाती है? अभी तो आप देखेंगे बड़े बड़े शोरूम होते हैं एयरपोर्ट पे, तो हर एयरपोर्ट पे खिलौने की दुकान होती है। तो क्यों ये खिलौनों की खिलौने क्यों बनाए जाते हैं? आप म्यूट मत कीजिए। खिलौना क्यों बनाया जाता है? खेलने के लिए, ताकि वो मन लगा रहे बच्चे का खेलने में।
लेकिन वो क्या कोई बुद्धिमान है क्या? खिलौना में खेलना क्या है? टाइम वेस्ट कर रहा है। बट वो नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। या इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। पहले नहीं होता था, 100-200 साल पहले वैदिक सभ्यता में बच्चे खिलौना से नहीं खेलते थे। अनप्रोडक्टिव है। तो वैसे ही वो बच्चे की इच्छा है, मूर्ख है। तो वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, हमने मूर्खता की, हम बोलते हैं हमको भोग करना। भगवान बोलते बेटा इधर तो भोग नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि इधर तो मैं स्वामी हूँ, भगवान तो पूरी सृष्टि के स्वामी है। तो भगवान ने इल्यूजरी वर्ल्ड बनाया जी, और उसमें हमें भेज दिया, चले जा। तो हमारे हमारी इच्छा के कारण ये भौतिक संसार बना है। जी जी, हमारी इच्छा नहीं होगी भौतिक संसार हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि दूसरे लोग रहना चाहते हैं, हम क्यों खत्म करें, हम अपना निकल लें वापस। जी, कई बार लोग मोबाइल से परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं मोबाइल बनाए ही क्यों है। अरे बनाया क्यों, मतलब आप मत यूज करो ना, आप ये क्यों बोल रहे मोबाइल क्यों बना, आप अपना निकल जाओ, छोड़ दो मोबाइल, फेंक दो। बिना मोबाइल के भी जीवन चल ही रहा है ना लोगों। जी जी, वो तो जी ठीक है। अच्छा पूछे, हमें खुद को तो नहीं पता चल सकता कि हमें परसेंटेज में, जैसे आप कह रहे थे किसी एक जन्म में 10% भक्ति हुई, तो हम बस अपना लगे रहे भक्ति में, हमें तो नहीं पता चल सकता कितना परसेंटेज होता है या नहीं होता है। परसेंटेज पता नहीं पड़ पाएगा, लेकिन ऐसे पता पड़ेगा कि आपको कितना प्रोग्रेस हो रहा है। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति रुचि होना चाहिए, भागवतम में रुचि होना चाहिए। अरे कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, मुझे भागवतम पढ़ना, अभी आधा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ता है उससे चेक हो जाता है, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ तो कैसे पता पड़ेगा स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने में। तो ऐसे ही आप भक्ति का इंटरेस्ट लेते रहेंगे। जी जी, थैंक यू। यस रवि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि भाई आत्मा द्वारा जैसे कोई भी भक्ति करते हैं तो वो कभी नष्ट नहीं होती, तो जैसे प्रभु जी हम लोग अभी जाप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं और भगवान को जैसे भोग लगा के सेवा करते हैं, तो प्रभु जी ये जो कार्य है आत्मा द्वारा किया है सब? हाँ सब आत्मा द्वारा किया है, ये नष्ट नहीं होगा। शरीर का तो प्रयोग हो रहा है सिर्फ। अच्छा, शरीर का तो प्रयोग हो रहा है ना, आत्मा शरीर को प्रयोग में लगा रही है, लेकिन सेवा तो मेन आत्मा ही कर रही है, इसीलिए ये नष्ट नहीं होगा कभी। आपने भगवान को एक बार भोग लगा दिया, भगवान इसको कभी नहीं भूलते। हरे कृष्ण। यस ज्योति माता जी, पूछिए आप प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जैसे आपने कहा कि जब हम भक्ति करते हैं और मोक्ष के स्तर पे पहुंच जाते हैं तो अहंकार बुद्धिमान यहाँ पर ही सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और हम आत्मा भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, तो पहले भी हम आत्मा थे जो उनके पास थे, तो इच्छा कैसे हुई यहाँ पे आने की? मतलब मन अहंकार तो था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मन अहंकार नहीं था, लेकिन माया का प्रभाव होता है आध्यात्मिक दुनिया में भी। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि भगवान सबको मौका देते हैं ना, भाई तुम यहाँ पे हो भगवत धाम में, भगवान बोलते हैं लेकिन तुमको मेरा सेवा करना है तो करो, अपना करना है तो वो भी ऑप्शन है, फिर जाओ भौतिक संसार में। तो एग्जैक्टली क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ आपके साथ, वो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ भगवान कृष्ण बता सकते हैं। तो जब आप वापस जाएंगे तो कृष्ण आपको बताएंगे क्यों आप गए थे, आपको सब दिखाया जाएगा टीवी पे, बड़ा टीवी, आपका पूरा भौतिक जन संसार का जीवन आपको दिखाया जाएगा इतने जन्मों में, फिर नहीं जाना, ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। विष्णु प्रभु। प्रभु जी, ये अहंकार का रोल, वो मन बुद्धि तो समझ में आता है, मन कुछ चाहता है, बुद्धि क्या गलत है सही है वो सब करती है, अहंकार का रोल क्या और कैसे है?
अहंकार ही तो मेन है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। अहंकार आपको ये कन्विंस कर देता है कि आप स्वामी है, आप दास नहीं, मिथ्या अहंकार। और असली अहंकार, शुद्ध अहंकार जो होता है, असली अहंकार, वो आपको ये बताता है कि आप कृष्ण के दास हैं। उसका वही काम है, ढक देता है आपकी आत्मा को, पूरा ढक देता है और आपको कन्विंस कर देता है मिथ्या अहंकार कि आप जो है वो स्वामी है, वो मालिक है। इसको अहंकार कहते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं व्यक्ति के अंदर अहंकार हो गया, मतलब वो अपने आप को सबको समझने लग गया, इसलिए कहते हैं अहंकार। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कौन सा जप आज? ओके, कुछ भक्त पूछ रहे हैं क्या एकादशी का जप करा है, तो कौन सा एकादशी का ये किया है उपवास, तो कौन सा जप करना, एक ही जप करना है हरे कृष्ण महा, जब भी समय मिले और कुछ करना ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा प्रश्न है, पता कैसे पड़ेगा कि मन की आवाज है या बुद्धि की आवाज है या आत्मा की आवाज है या परमात्मा की आवाज है? आपने लिखा है कि माइंड इंटेलिजेंस, माइंड या इंटेलिजेंस डिसीजन ले रहा है, लेकिन मन भी यही है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, इसकी आवाज आ रही, पता नहीं पड़ेगा। ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। ट्रेन कैसे करेंगे अपने आप को? गुरु के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र। इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता है, और हमें पूछना चाहिए कि मेरा ये इच्छा हो रहा है प्रभु जी, तो ये क्या सही है कि गलत है? तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आप अच्छदित हो, कवर्ड हो, आप इच्छा के द्वारा फंस गए। छोटा बच्चा इच्छा करता है लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं होता है, तो फिर माँ बाप नहीं पूरी करते इच्छा, भले रोने। तो ऐसे हमारा मन इच्छा कर रहा है, तो आप गुरु के पास जाइए और पूछिए कि ये मेरा इच्छा कर रहा है, क्या करूँगा? वो अगर इच्छा आप भगवान की है या आत्मा की है या बुद्धि से आ रही है या मन से आ रही है, वो डिसीजन वो गुरु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे सब जो हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के तीन गुणों से होते हैं सब कर्म। तो जो हम भगवान के प्रति जो कर्म करते हैं, जैसे कि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई और काम करते हैं, जैसे कि कुछ पेंटिंग बनाना वगैरह, तो वो आत्मा से हुआ वो कर्म या फिर वो प्रकृति के तीन गुणों से हुआ, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए और गाइडेंस में कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति कहलाता है। भक्ति हमेशा गाइडेंस में होता है, इसीलिए गाइडेंस में रह के कार्य करते हैं। अपने मन से करेंगे तो फिर वो नहीं होता भक्ति। लोग अपने मन से मंदिर बना देते, कुछ लोग ऐसे मंदिर बना देते, बस मेरा इच्छा हुआ, मेरे पास पैसा है, मंदिर बना दे। अरे आपने किसी को गुरु से पूछा, साधु से पूछा, शास्त्रों में देखा कैसा मंदिर है, नहीं अपने हिसाब से कर। बहुत सारे लोग अपने घरों में मंदिरों में अपना अपना मंदिर बना देते हैं और अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आप पेंटिंग बनाते हैं, रूपल माता जी कृष्ण की पेंटिंग्स बनाती है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स, मैंने कुछ फोटोज देखे हैं। तो आप पेंटिंग बनाते हैं, अच्छी बात, लेकिन आप उसको अब आप भक्ति से जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे वो कार्य भी आपका भक्ति, क्योंकि कृष्ण के प्रति आपका जो है वो आपका एक चेंजेस आएगा। पहले आप ठीक है कृष्ण को मानते थे, करते थे, अब जैसे जैसे भागवत पढ़ेंगे, जब करेंगे कृष्ण तत्व को समझेंगे, तो पेंटिंग बनाने समय फिर वो भक्ति से जुड़ता है। और ऑलरेडी आप जुड़े हैं तो आपका पेंटिंग भक्ति से जुड़ेगा, क्योंकि आप कृष्ण की पेंटिंग बनाते बनाते ही आपको कृष्ण यहाँ पर पहुंचा दे। जो मैं लैंडस्केप बनाती हूँ वो भक्ति कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? देखिए, इतना शार्प वो हम डिमार्केशन नहीं कर सकते, इतना कोई बात नहीं, आप करते रहिए। मतलब जो भी कर्म करेंगे वो समर्पित कर देंगे भगवान के सामने, आप करते रहिए। मैं आपको समर्पित करती हूँ तो भक्ति कहलाएगी ना वो? यस यस यस। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को मार दिया, बकरा काट दिया, हे कृष्ण बकरा आपका ही था, लो मैं आपके पास वापस भेज दिया, ऐसा नहीं। जो अच्छे कर्म है वो ही समर्पित करने हैं, और इसीलिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा कि क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड।
एक्चुअली वो ही है उसका अर्थ कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं सब कर्म, इसलिए अच्छे ही कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, वो समर्पित नहीं किए जाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।